हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरे आपको एक व्हाट्सएप डाला था मैंने, लेकिन बाद में डर गया और उसको डिलीट मार दिया। अच्छा, क्यों? क्या है ना, वो जो अक्षय शिंदे का जो मर्डर हुआ है ना, हाँ वो उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, अच्छा, मेरी फट गई। तो मैं बाद में फिर कुछ नहीं कर पाया, मतलब आपको बोलता हूँ, फिर बाद में बोलो कुछ गलत मैसेज ना चला जाए, मेरे पीछे लगेंगे। अच्छा तो वीडियो था क्या आपके पास? नहीं, वीडियो तो नहीं था। मैं और मेरा सालाम रैली में जा रहे थे, तो हाँ उसने था इसके ऊपर, अपने बाईपास पे, मुमरा बाईपास हाँ पे, तो वाई आपने मार जंक्शन दिया। ब्रिज पे थे। हाँ, वहां से जा रहे थे वाई जंक्शन पे, हम लोग बाद में पहुंचे इसका सब टिंग टोंग सुनने के बाद। अब अपने मुमरा का पहाड़ चढ़ते हैं ना, हाँ तो अपने पीछे आगे मतलब पीछे से ओवरटेक करके आई थी उनकी वैन, हाँ उसमें ऑलरेडी उन्होंने पर्दे लगाए थे सब यहाँ से। तो अच्छा पहले उसकी गाड़ी उछली तो ठक कर क्या आवाज आया, हमको लगा गाड़ी का पाटा बजा गया। फिर हाँ सेकंड आवाज आई तो मैं थोड़ा डर गया, बोला कुछ तो इश्यू होगा। और वो पुलिस वाले ने भी गाड़ी रोकी, वो बाहर आए, उसने दरवाजा खोला, दो पुलिस वाले शायद कुछ उतरे, वापस उन्होंने बंद किया और वापिस चले गए। फिर तीसरी आवाज आई तो अच्छा हम लोग डर गए, फिर मैं ओवरटेक मार के भाग गया, वो कलवा की तरफ घुस गए और हाँ हम लोग अपने टी जंक्शन की तरफ चले गए। अभी अच्छा आपसे भी बात करने मेरी पट रही है कि बोलो आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो नहीं मैं नहीं कोई सोच रहा प्रॉब्लम था नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम होने की है। कैसा होता है। अभी ऐसा समझो कि एक आपके 20 हाथ के ऊपर गाड़ी है, और वहाँ पे हमको पहले ऐसा लगा कि गाड़ी का पाटा बजा गया, गाड़ी उछलती है ना, तो ठक करके, फिर सेकंड ठक करके, देन फिर तीसरा ठक, और गाड़ी को सब पर्दे लगाए थे। मेरा साला भी डर गया, बोले भाई जान चलो यहाँ से, अभी मोबाइल वोबाइल अपना चालू नहीं था, हम तो बस रैली में जा रहे थे, तो बोला सुकून से चलो चुपचाप। और उसके बाद जब मैं हम लोग आए यहाँ पे, अभी मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसी न्यूज आ रही है अक्षय शिंदे की। हाँ तो फिर मैं बोला यार किसको बताए, तो बोला चलो अभी आप पे भरोसा, मैं आपका फॉलोअर भी हूँ, मैसेजेस भी डालते रहता हूँ आपके इसके ऊपर, अच्छे खासे। अच्छा, तो आपने तो बोला व्हाट्सएप क्या चलो पहले किए थे, मुझे खाए, मैसेज किए थे कुछ? मैंने यही व्हाट्सएप मतलब मेरी वॉइस ही डाला था कि भाई अक्षय शिंदे का मर्डर मैंने देखा, लेकिन मैंने बाद में डिलीट मार दिया। अच्छा बोला आपने अच्छा फोन नहीं उठाया ना मेरा नहीं नहीं तो पहले, ऐसे कोई क्योंकि डरने डरने वरने वाली बात नहीं है उसमें। जानबूझ के अपने रैली के टाइम पे उसको मारा है पुलिस वालों ने। तो पता नहीं, देखो आपको कैसे बेहतर लगता है इंक्वायरी, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज है ना उसकी, वहां पे कैमरे तो होंगे ना, सीसीटीवी कैमरे, नहीं, कोई सीसी नहीं है उधर। ऊपर पहाड़ की तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, जबकि अपनी दरगाह वरगाह के पास भी नहीं लगाया उन्होंने। नहीं, अब वो लोग स्पॉट पर कहाँ बता रहे हैं मालूम है तुम्हारे को? वाई जंक्शन का जो हाँ ब्रिज शुरू होता है ना नया वाला, हाँ वो ब्रिज के शुरू होने के थोड़ा आगे। नहीं मैं बताता हूँ किधर हुआ एक जगह, ये अपनी दरगाह है ना, जबकि डैम था छोटा सा वो अच्छा, रईस बाबा की दरगाह? डैम, हाँ वहां से नहीं, थोड़ा आगे अपना जाने फकीर के शाह बाद, बाबा की दरगाह, फकीर शाह बाबा की हाँ दरगाह। हाँ हाँ वहां से थोड़ा आगे जाएंगे ना, तब ठक करके आवाज आई, तो उन्होंने मुमरा गाड़ी जाने की उछल तरफ गई। के शील फाटा जाने की तरफ? मुम्बरा से अपन आते हैं ना यहाँ पे जाने के लिए कलवा की तरफ ऊपर से, हाँ, मतलब आप शील वाई जंक्शन से कौसा से होते हुए हाँ मुमरा हम लोग थाना जा वहां रहे से, हैं। हाँ हम लोग मुम्बरा थाना जा रहे थे ऊपर से, हाँ वहां उस तरफ से जा रहे थे, और वो लगभग दरगाह पार करने के बाद वो पीछे से ओवरटेक करके आई थी गाड़ी, और हाँ थोड़ा नॉर्मल स्पीड पे था तो उछल रहा था, हम स्लोली जा रहे थे, फास्ट नहीं जा रहे, तो हाँ उछला, तो मुझे लगा पार्टी की आवाज आई होगी। फिर एक आवाज के बाद दूसरी आवाज आई, देन अच्छा पुलिस वाला उतरा, नीचे आया, पीछे आया, उसने देखा तो दो पुलिस वाले उतरे, वर्दी में नहीं थे, सब इसमें थे सिविल बिना में थे। वर्दी वाले, हाँ सिविल वाले थे। उन्होंने वापस दरवाजा बंद किया, उनके पास वो चाबी भी रहती किसी अलग जगह तरीके की, वो बंद किया, फिर गाड़ी आगे लेके गया। फिर तीसरी आवाज आई, वो गाड़ी लेके गया, और अपना जहाँ पे ब्रिज खत्म होता है ना, रेलवे के ट्रैक के पास, मालूम है रेलवे का ट्रैक क्लोज जाता है, वो ब्रिज खत्म होता है, वहां थोड़े से रुके वो, और हम लोग आगे से आईने में देख ही रहे थे। अच्छा बाद में मेरा ताला बोलता भाई जान भागो, कुछ रहेगा अपने को भी लपेट लेंगे, तो हम लोग आगे निकल गए और वो उधर घुस गए इसमें कलवा की तरफ, अपना अच्छा इसमें से ज्यादा ना हाँ कलवा के अंदर से जो रोड जाता है, हाँ हाँ उसके अंदर वो लोग घुस गए गाड़ी लेके, बाकी गाड़ी को बाकायदा पर्दे वर्दे एकदम लगा के बैठे थे, हमको तभी अच्छा कुछ लगा, बोले धर्म में कला है, भागो यार। अच्छा अच्छा हाँ तो बोला अगर आपको कुछ उसका
बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप बोल सकते हो ना कि भाई यहाँ पे, अब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे निकलेंगे क्योंकि उनकी गाड़ी आ रही है और लगभग हमारी गाड़ी आगे पीछे ही है। देखता हूँ उधर मैं, जो सपोर्ट तुम बोल रहे हो तो उधर शायद फिर वो जरूर ने सीसी वगैरह लगाया होगा तो